तो हेलो मेरे भाइयों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। तो भाइयों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपना बीट्स का एडोब का जो डेट था आज ही था। अब देखते हैं क्या होता है भाई। सबसे पहले हम बीट्स एडोब को खोलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग एडोब वाले सेक्शन पर जाते हैं तो हमें भाई कुछ ऐसे कुछ कंग्रेचुलेशन टाइप का आ रहा है, ठीक है ना? अरे भाई, क्या लिखा है मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। एक एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग एयरड्रॉप के लिए पार्टिसिपेट हैं कि नहीं, ठीक है ना? आप लोग भाई हो चुके ना। यहाँ पर लिखा है बीट्स एयरड्रॉप 1 लाख USDT का एयरड्रॉप इनका स्टार्ट था, ठीक है ना? थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग, ठीक है गाइस। द एयरड्रॉप पे आउट विल टेक सेवरल डेज, ठीक है ना? वी केयरफुल सेलेक्टेड द विनर बेस्ड ऑन फार्मिंग एक्टिविटीज, बीट्स सपोर्ट एंड फ्रेंड्स इन्विटेशन। मतलब ये क्या भाई कि ये लोग अब यहाँ पे कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं कि कौन कौन बंदे सेलेक्ट होने वाले हैं। जो भी 5 मिलियन यूजर्स हैं, पता ही होगा आपको, इसमें से 50,000 ही बंदे सेलेक्ट होने वाले थे फर्स्ट सीजन में। तो ये लोग अभी अभी चेक कर रहे हैं कौन कौन बंदे ज़्यादा एक्टिविटी किया है, ठीक है ना? कौन सबसे ज़्यादा फ्रेंड को शेयर किया, ये लोग एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है ना? एनालाइज जैसे ही करेंगे तो अपना कुछ अपडेट लाएंगे जिसमें पता चल जाएगा कि हम एडोप के सेलेक्टेड है कि नहीं। फिर हमें क्या लिखा है, एडोप सीजन 2 इज ऑलरेडी स्टार्टिंग। मतलब क्या भाई, सीजन 2 इसका एडोप का स्टार्टिंग हो चुका है, तो आप लोग सब लोग काम करना स्टार्ट कर दो। और क्या भाई, इसमें टोटल 2 लाख यूएसडी का, ठीक है ना, एयरड्रॉप आएगा। और इसका एयरड्रॉप कब आएगा मैं आपको बताता हूँ। विल बी शेयर द मोस्ट एक्टिविटी बीटर्स, ठीक ना? अभी मेन पे हम लोग जाते हैं ना गाइस, यहाँ पे रोड मैप पे चलते हैं ना। तो देखो गाइस, अपना देखो अपना पहला सितंबर, ठीक ना? तो सितंबर 30 को पहला एयरड्रॉप, अक्टूबर 31 को सेकेंड एयरड्रॉप, ठीक है ना भाई? तो ज़्यादा समय नहीं है, ठीक ना? एक महीने बाद फिर से एयरड्रॉप आएगा। फिर नवंबर में, नवंबर 30 को फिर इनका 3rd एयरड्रॉप, दिसंबर 24 को भाई इनका 4th एयरड्रॉप। तो भाई हम लोग भाई एक एक महीने पे अपना एयरड्रॉप देते रहेंगे तो हमें क्या ही दिक्कत है भाई, ठीक है ना? हम लोग कर लेंगे भाई, इसमें कुछ ज़्यादा एक्टिविटी कुछ काम भी नहीं करना होता, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का टास्क होता है वो कंप्लीट कर लेंगे। अब भाई फ्रेंड्स से अपना पढ़ा लेंगे, क्या ही दिक्कत है? और उसके बाद क्या है भाई, यहाँ पे देखो मेरे इतने बीट्स हैं, आप लोग देख सकते हैं। पर टास्क पर जाकर भाई आप लोग अगर अभी टास्क कुछ कंप्लीट नहीं किए तो थोड़ा जो है कर लेना। अब यहाँ पर आप अपना फ्रेंड शेयर भी बढ़ा सकते हो, ठीक ना भाई? यहाँ पर अपना फ्रेंड शेयर भी बढ़ा लो, जितना बढ़ाओगे उतना बढ़िया हो जाएगा। अब तो चलते हैं इनका टेलीग्राम चैनल पर, शायद कुछ अपडेट उन्होंने दे दिया हो, देख लेते हैं देखने में क्या ही जाता है। तो भाई हम लोग इनके भाई टेलीग्राम चैनल पर ऑब्वियसली आ चुके हैं भाई। इसके कल 5 मिलियन थे भाई, आज 6.2 मिलियन हो गए, देख रहे हो गाइस? तो यहाँ पर लिखा है रिजल्ट इज कमिंग सून, मतलब इनका रिजल्ट आ रहा है कि कौन विनर होंगे कौन नहीं। इस टाइम टू स्टॉप द फर्स्ट एयरड्रॉप सीजन फिनिश, ठीक ना? थैंक यू ऑल द टेकिंग पार्ट इन द इवेंट, देयर आर सेवरल मिलियन ऑफ फ्रेंड्स हेयर इज, सो वी नीड सम टाइम टू काउंट द रिजल्ट। मतलब ये है कि भाई आप लोग इवेंट में पार्टिसिपेट, थैंक यू भाई। और भाई इनके मिलियंस ऑफ यूजर हो चुके हैं ना, तो इनका थोड़ा सा टाइम लग सकता है काउंट डाउन करने में। इट माइट टेक अप टू फ्यू डेज बट योर वॉरियर विल बी कीप योर अपडेट, ठीक ना? यहाँ पे उस दिन का भी समय लग सकता, मतलब आज नहीं, मैं 1-2 दिन 4 दिन बाद भी बता सकते हैं। लेकिन भाई आप लोग को जैसे ही होगा भाई, आपको ये आप लोग अपडेट कर देंगे। स्टे ट्यून फ्रेंड्स, ठीक ना जिन्होंने ये अपडेट दे दिया भाई, ठीक ना? अब भाई बीट्स पे चलते हैं तो बीट्स पर लोग देख सकते हैं भाई, ठीक ना? यहाँ का रोड मैप तो हमने देख ही लिया। तो मतलब ये है भाई कि ये लोग इस सीजन तक, आपको पता ही है 50,000 लोग, मैं उस दिन में भी वीडियो में बताया था। तो भाई मुझे लगता है थोड़ा सा ये लोग कम लोग को एडॉप्ट दे रहे हैं, बट कोई बात नहीं भाई, ठीक है ना? हम लोगों ने 2 से 3 दिन काम किया था, हमारे जितने यूजर्स हैं उनको बताया था 2 से 3 दिन काम किया था। अगर सेलेक्टेड होते हो आप लोग तो कोई बात नहीं, सेलेक्ट बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं होते हो भाई तो फिर से इसका 1 महीने बाद 2 लाख USDT का एयरड्रॉप आएगा, तो क्या दिक्कत है भाई? उसमें हम लोग पार्टिसिपेट देंगे, इसमें कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है भाई। 2-4 मिनट देना होता है भाई, उसके बाद हम फिर अपना काम कर सकते हैं, तो आप लोग इजीली दे सकते हो, ठीक ना भाई? तो आई होप सब लोगों को समझ में आ गया होगा, काफ़ी बंदों को डाउट्स है भाई, इसलिए मैं वीडियो बना दिया हूँ, ठीक ना? अब भाई अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मैं वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ मेरे भाई लोग, किसी बंदे को अगर टोन बाई करना है और यूटिलिटी सेल करनी है, और किसी बंदे को डेली टोन विन करना है भाई, तो मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक ना? मुझे मैसेज भी कर सकते हो भाई, आपको इजीली भाई आपको हर एक चीज़ की सुविधा मिल जाएगी, ठीक ना भाई? चलो भाई मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले सी गाइस।